ये गया कहाँ ये बल्लू? गए कहाँ वो तूने बच्चे? ढूंढ जल्दी से, दबा दबा वरना छोड़ेगी नहीं महाविलासी तुझे। हे भगवान, चल चल के मेरे पैर की कड़ी हो गई है। मैंने तुम लोग को बताया कि मुझे टैक्सी में बिठा दो, मैं अकेली चली आऊंगी। अरे चुप रहूं मैं क्यों? वैसे तो देख तो नहीं पाएंगे ये लोग मुझे, क्योंकि सिवा बच्चों के देख नहीं सकता कोई मुझे। इसे आ कैसे गए ये लोग घर में वापस हैं? ओ हां 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 बा हां हाँ। ये तो पापा, दादाजी और मासी की आवाज है ना? मौसी, आप बच्चों की चिंता छोड़िए और अपनी तबीयत की चिंता कीजिए। लेकिन बच्चे कैसे आएंगे? अरे कुछ नहीं होगा मासी, आप चिंता मत कीजिए। आपने देखा था ना, वहाँ गेटवे पे हमारे बाजू वाले गिरिधर चाचा की पूरी फैमिली आई थी, वो लोग भी उसी बोट में बैठ के गए थे। बच्चे उनकी कार में यहाँ आ जाएंगे। फिर भी चिंता तो होती है ना महेश। हे भगवान, ये दर्द के मारे मेरी वो निकल रही है। क्या? अरे वो जिसके कारण हम चलते फिरते हैं। लकड़ी? अरे नहीं महेश, जिसके कारण हम जिंदा है। जान? हाँ, जान। पहले क्यों नहीं बताया? ये दर्द के कारण मेरी जान निकल जा रही है। महेश बेटा एक काम कर, गरम पानी लेके आ और मासी को सेक कर दे। अभी अभी आया बापूजी, अभी अभी आया मासी। हे भगवान, लेकिन कहीं देख लिया इन्होंने बच्चों को तो हो जाएगी मुसीबत। नहीं नहीं, तोबा तोबा, होगा ढूंढना मुझे बच्चों को फौरन। चलो भागो। अरे ये तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। हाथ कब धोने गया, तब से हमारे पीछे तो पड़ा है। मानव तो चुप बैठ, नहीं तो पीट दूंगी। सॉरी मानो मेहर, चिंता मत करो, मुझे लगता है वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा और अंत में थककर चला जाएगा। पर मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि हम लोग बड़े कैसे होंगे। ढूंढ तो बताओ। चलो है नहीं बच्चे तो यहाँ पर, कहीं ले तो नहीं गई परिया उन्हें? हुआ होगा अगर ऐसा तो होगा ना मेरे लिए ठीक। ओ माँ, ये भगवान। ये देखो, ये बल्लू भी ना, उससे कहा था कि खाने की चीजें अंदर रख देना, दरवाजे को कड़ी लगा देना, लेकिन नहीं, सब वैसे का वैसे है। ऐसे कैसे ठीक होगा, ढंग से आराम करना पड़ेगा। क्या हुआ, बहुत दुख रहा है? अरे गरम लग रहा है। गरम पानी गरम ही लगेगा ना मौसी। अरे इतनी देर कोई पकड़ के रखता है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, आराम से आराम से आराम से। आराम कैसे करूं? अभी स्मिता और कस्तूरी भी तो नहीं है। अभी आराम करूंगी तो घर का काम कौन करेगा? हम एक काम करते हैं, हम एक कुछ दिनों के लिए नौकर रख लेते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत तो है मुझे, धरती पटे और समा जाओ उसमें मैं, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं महाविनाश की मुझे। अरे लेकिन निकल गए कैसे यहाँ से बच्चे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मदद से इसके है निकाला गया बच्ची को पतेले से बाहर।
इसको मतलब होंगे बच्चे इसी घर में। तुम दोबारा दोबारा जल्दी से वरना लटका देगी महाविनाशनी तुझे। अरे लेकिन ढूंढू कैसे मैं बच्चों को? नौकर बनकर चोर लोग घर में घुसते हैं और घर को लूट कर चले जाते हैं, इसलिए कहता हूँ कि नौकर रखने की कोई जरूरत नहीं। डोंट वरी बाबूजी, हम लोग ऐसा नौकर ढूंढेंगे जिसके पास आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे कम से कम पासपोर्ट, ज्यादा है ना, कम से कम पैन कार्ड, ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ही। ग्रेजुएशन पढ़ा लिखा होगा तो वो नौकर नहीं होगा ना। नहीं, मैं रेशन कार्ड और आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। मिल गया रास्ता बच्चों को ढूंढने का। हूँ खा लेता अभी रूप बदलू गोली और हूँ बन जाता अभी नौकर। जिसके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हो ऐसा नौकर मिलेगा कहाँ? अभी नौकर बनकर हमारे सर पे बैठेगा, अब हम क्या करें? ए, यहाँ पर बैठा है बंटा, मैंने तुम्हें मुर्गा बनने की पनिशमेंट दी थी और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। सर, आराम से कहाँ बैठा हूँ, मैं तो काम कर रहा था। ये देखिए सर, मैं ये बंदर के फोटो पर आपकी मूंछ बना रहा था ताकि मूंछ लगने के बाद पता चले कि आपकी शक्ल इस बंदर से मिलती है या नहीं। वाह 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 वाह, बड़े कलाकार बनते हो। अब मुझे ये बताओ सर, और कुछ मत पूछिए वरना मेरी सारी पोल खुल जाएगी। वही तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी पोल खुले। बालवीर ने तुम्हें जो पनिशमेंट दिया उसका हम लोग फायदा उठाए और हम लोग उठा कर रहेंगे। मॉन्टू, सच तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। देखो मेरी फोटो देखो, उसकी हालत तुमने ही की है ना? मैंने ही किया। देखा, आपकी फोटो मैंने नोटिस बोर्ड पर देखी तो मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि आपने मुझे बाल बढ़ाने से मना किया था, इसीलिए मैंने आप ही के बाल बढ़ा दिए। अच्छा तो मांटो, ये बताओ कि चतुर्वेदी सर की साइकिल की हवा किसने निकाली? मैंने ही निकाली थी सर। ए, हाथ निकाल के बात कर। और सिर्फ साइकिल की हवा नहीं निकाली थी, वो जो पैम्पलेट पे सर का नंबर छपवाया था वो भी मैंने ही छपवाया था और उस पर लिखा भी था अच्छे एग्जाम के लिए फोन कीजिए, समय सुबह 4 से 6। मोंटू बॉस, अब इतना बता ही दिया तो ये भी बता दो कि देसाई सर के स्कूटर के पीछे आपने क्या लिखा था? देसाई सर, सुना सुना क्या लिखा था? मैंने देसाई सर के स्कूटर के पीछे लिखा था ये स्कूटर चुराने वाले को 5,000 रुपए इनाम मिलेगा और वो भी प्रिंसिपल सर देंगे। तुम अभी तो रघु सर के बारे में भी पूछना है तुम्हें। बताओ कि रघु सर के मोबाइल से उनकी बीवी को किसने मैसेज किया था कि ये रघु सर जैसे रघु सर सन्यास लेने वाले? मैंने किया था, मेरे से और कौन हो सकता है सर? और कोई है जो इसकी सच्ची गंगा में अपने हाथ धोकर पवित्र होना चाहता हो? बस कीजिए सर, और मेरे मुंह से कितना सच निकलवाओगे? सच नहीं, अब तो हम लोग तुझे स्कूल से निकलवाएंगे प्रिंसिपल सर को तुम्हारी ये करतूत बताकर। चलो सब। लेकिन सर, रघु सर, चतुर्वेदी सर सुनिए ना। मैम,
अच्छा तो तू नौकर बनना चाहता है? जी। तेरा नाम क्या है? हमारा नाम है। अच्छा इसका नाम अमर है। नहीं, इसमें तो रामू लिखा है। नहीं 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 नहीं, हमारा नाम है राम काका अन्ना। अन्ना सब नौकर लोग का नाम राम क्या क्या होता है, लेकिन हम नौकर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता, इसलिए सब लोग हमको राम काका अन्ना बोलते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। तुम्हारा बायोडाटा तो अच्छा है। जी अभी अभी छपवा है। ए, अब तुम वो करके दिखाओ, नाच के दिखाओ। आई हम नाच बहुत अच्छा करती, हम नाच के दिखाती है। तुम यहाँ नाचने आए हो? अरे तुम वो करके दिखाओ जिसमें तुम सबसे अच्छे हो। हे भगवान, पापा दादा और मासी इसका सिलेक्शन ना करे। हम गा के दिखाती, हम गाना बहुत अच्छा गाती है। अरे गाना नहीं, अरे जो नौकर चाकर करते हैं वो करके दिखाओ। साफ सफाई? हाँ जीजा जी, पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुम साफ सफाई करके दिखाओ, पहले कुछ चमका के दिखाओ। लो साफ सफाई। हाँ अभी करता जी। बच्ची हे अकल के दुश्मन। राम का कांडा। अबे मैं तुझे अकल के दुश्मन तुझे बोला हूँ? अरे ये ऐसे फर्श के ऊपर ये छाट कैसे कोई साफ करता क्या? इतना भी नहीं पता तुझे? हमको सब पता जी, हम देख रहा था आपको पता है कि नहीं। बोल बोलो या, हमारा इंटरव्यू ले रहा है ये। एक मिनट दादाजी, स्टेडी। अरे सोफा तोड़ेगा ये। अये थोड़ा थोड़ा थोड़ा। बेवकूफ, इससे काफ साफ किया जाता है, मुंह नहीं। तू निकल भाई, घर में से निकल। गेट आउट, निकल निकल। लगता है ये एक नंबर का भोंदू है और इसे हमारे घर में काम नहीं मिलेगा और हम तीनों बच जाएंगे। अब समझ में आया विचार परी, इस बार महाविनाशिनी ने बहुत ही गहरी चाल चली है। उसने मिट्टी पलित विष का उपयोग इसलिए किया ताकि अमृत को प्राप्त करने के लिए हम विष अमृत लोक में जाएं। और उसे हमारे जरिए विष अमृत लोक के बारे में पता चल जाए। फिर जोखिम विष को प्राप्त करके वो बालवीर को शक्तिहीन बना दे। लेकिन हम महाविनाशिनी की इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे, कभी नहीं। लेकिन इससे पहले रानी परी, हमें जल्द से जल्द इस पहाड़ से जोखिम विष का अमृत प्राप्त करना होगा, जो कि असंभव लग रहा है। चिंता मत कीजिए विस्तार करिए, परियो इससे पहले कि पहाड़ डूब जाए हमें इससे अमृत प्राप्त करना होगा। जी रानी परी। सावरी, 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 सावरी।
परियों जल्दी बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैं अधिक समय तक टिक नहीं पाऊंगा। हे विषमृत पहाड़, हमें जोखिम विष का अमृत चाहिए। शुक्रिया। लेकिन याद रहे, जोखिम विष नहीं छिड़का गया होगा उन पर। अगर इस अमृत का प्रयोग होगा तो वो वस्तु या व्यक्ति बहुत बड़ी हो जाएगी। परी, आप ठीक तो है ना? हाँ रानी परी, शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परियो। भटकाती परी, आप इस अमृत को लेकर तुरंत बच्चों के विद्यालय में जाइए, क्योंकि बच्चे घर पर नहीं थे, वो अवश्य विद्यालय में ही होंगे। जाइए भटकाती परी। जी रानी परी। परियो, हमें तुरंत महाविनाशनी और शातिर परी को खोजना होगा।